Hey guys, welcome back to my channel. तो आज हम कॉलेज के लिए रेडी होंगे, तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, तो इसको हम फेस पे अप्लाई करेंगे, देन थोड़ा सा मसाज करेंगे. तो अब ये मैं लैक्मे का फाउंडेशन ले रही हूँ, इसको मैं हाथों से ही लगाऊंगी. मैं कोई ब्रश और कोई वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल अपने फिंगर्स से इसको लगाऊंगी फेस पे, डॉट डॉट करके ऐसे अप्लाई करके. बस मैं इसको अच्छे से टैप 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 करके इसको मैं अप्लाई कर लूँगी. फाउंडेशन मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करूंगी. देन मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का. तो अब मैं इसी ब्लश से आई शेडो लगा रही हूँ. ये मैं अपने क्रीज के ऊपर लगा रही हूँ. अब मैं एक लाइट ब्राउन शेड लेके उसको अपने आईलिड पे थोड़ा सा इसको पूरा ब्लेंड कर लूँगी सबको मिला के. कॉलेज लुक है तो हमें बिल्कुल सिंपल ही रखनी है. ये मैं ब्रो के नीचे लगा रही हूँ और थोड़ा सा चिक बोन पर एज अ हाइलाइटर और नोज लाइन पर थोड़ा सा फोरहेड के पास. तो ये मैं अब लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ. ये इतना लाइट शेड इतना डार्क शेड है नहीं, लाइट की वजह से काफ़ी डार्क लग रहा है ये, बट ये बेबी पिंक है. अब मैं अपना हेयर कॉम कर लूँगी. अब एक हमने सिंपल एक ब्रेड बनानी है, तो ये मैं इस तरह से एक सिंपल सा ब्रेड बना दूंगी. तो ये मेरी ब्रेड कंप्लीट होगी. मैं इसको रबर बैंड की हेल्प से इसको मैं बांध रही हूँ. इसको थोड़ा सा हम लूज़ कर लेंगे इस तरह से, दोनों साइड से ऐसे खींचते हुए हम इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे. साइड में से थोड़े से हेयर्स लेते हुए ब्रेड के बीच में से मैं इस तरह निकाल के उसको स्ट्राइट कर लूँगी और ऐसा हमें हर बार करना है. मैं 3 बार करूँगी. तो ये फर्स्ट मेरा हो गया एंड सेकंड थोड़े से फिर से हेयर्स लेंगे और इसके बीच में से इसको बालों को ऐसे निकाल लेंगे हम.
सॉरी फोर्थ टाइम हो गया। अब तो ये जो हमने सारे हेयर्स लिए थे इसको पीछे करते हुए ऐसे मैं इसको क्लिप लगा दूंगी। एक हेयर बिन लेके उसको अच्छे से हमने ऐसे ही लगा देना है। अब लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई किया है तो ये लुक हुई हमारी कंप्लीट। आप अपने बालों को ऐसे खोल के भी रख सकते हो या फिर पीछे एक टेल बना सकते हो उसको बांध के क्लचर या रबर बैंड की हेल्प से।